तो ये जो नया जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है जी? डायमेंशनल एनालिसिस। और चैप्टर ये जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, आपको हमने पढ़ाया था पहले जी, क्या पढ़ाया था जी, किसके बारे में बताओ? क्वांटिटी बताया था जी, क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं याद है? बोलो, थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? सप्लीमेंट्री, वेरी गुड। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपने जो बताया कि भाई सर फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये कितने होते हैं? सेवन होते हैं। पहला कौन सा है? मास है, वेरी गुड। और लेंथ है, और टाइम है, वेरी गुड। टेम्परेचर है, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रिक करेंट है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसके बाद भी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बहुत बढ़िया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ना साथ है जी। अब देखो, इस चैप्टर में हमको सिर्फ यहां तक की जरूरत है, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक? यानी हमको सिर्फ कितने क्वांटिटी की जरूरत है जी? फाइव क्वांटिटी। तो ये चैप्टर है जो, इस चैप्टर का जो डायमेंशनल एनालिसिस नाम है, वो चैप्टर में क्या कह रहा है जरा देखिए। इस चैप्टर में कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, देयर सिंबल्स, क्या बोल रहा है जी? फंडामेंटल क्वांटिटी के पास क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, उनका अपना सिंबल्स, हैज देयर सिंबल्स। और कितने फंडामेंटल क्वांटिटी के होते हैं? मात्र पांच, इनका कोई सिंबल नहीं होता। यानी ये चैप्टर कह रहा है कि जो पांच फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके अपने चिन्ह होते हैं। अब अपना चिन्ह क्या क्या होता है देखिए। मास का चिन्ह क्या बता रहा है देखिए, एम होता है, ठीक। लेंथ का चिन्ह क्या होता है? एल होता है। टाइम का चिन्ह क्या होता है? टी होता है। टेम्परेचर का दो चिन्ह होता है, थीटा भी होता है और के भी होता है। ये भी आपका टेम्परेचर का चिन्ह है, ये भी आपका टेम्परेचर का चिन्ह है। अब करंट की बात करें, करंट का भी दो चिन्ह होता है जी, ए या आई। तो ये पांचों का क्या क्या चिन्ह है ये आपको याद करके चलना होगा। बात आ गई जी समझ में? अब देखो, इन तीनों का चिन्ह कहाँ से सोच, क्या सोच के बनाया होगा जी? तीनों का चिन्ह पहला लेटर उठा लिया, कैपिटल में उठाया कि स्मॉल में उठाया? कैपिटल में। अच्छा, इनका पहला लेटर उठा के बनाया है या कुछ और सोच के बनाया है? कुछ और सोच के। टेम्परेचर का यूनिट याद है आपको? टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है? केल्विन। तो केल्विन का क्या यूज कर लिया? के। अच्छा, ये अपने मन से बनाया होगा सब थीटा। हम लोगों को खाली याद रखना है भाई कि टेम्परेचर का दो सिंबल होता है, के भी और थीटा भी। हमको क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक करंट का भी दो सिंबल होता है, कैपिटल आई और कैपिटल ए। ये कैपिटल ए कहाँ से लाया होगा जी? एम्पियर इसका यूनिट होता है, वहीं से चुराया होगा। बाकी ये कहाँ से लाया इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो जो बोल रहा है
वो आपको मानना पड़ेगा। तो टोटल आपको 3, 2, 5 और 2, 7 सिंबल्स आपको दिमाग में रखने होंगे कि भाई क्या क्या है। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं और उसको पढ़ के बताइए। डायमेंशन इज ओनली डिफाइंड फॉर डेराइव्ड क्वांटिटी ओनली। डायमेंशन सिर्फ किसके बताए जा सकते हैं बताओ। डेराइव क्वांटिटी याद है जी, किसको बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी, जिसका निर्माण इनसे हुआ है। हर वो राशि, हर वो क्वांटिटी जो इनके मदद से बने हैं उनको क्या कहा जाता है, डेराइव। तो डायमेंशन आप सिर्फ किसका निकाल सकते हैं, डेराइव का। फंडामेंटल का क्या होता है, डायमेंशन होता है कि सिंबल होता है, सिंबल होता है। देखिए अभी तक हम ये नहीं समझे हैं कि डायमेंशन क्या होता है, बात आ रही है समझ में। अभी तो सिर्फ परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन, और उस परिचय में हम दो चीज सीखे हैं। पहला चीज क्या सीखे हैं जी, कि फंडामेंटल में जो 7 क्वांटिटी है उनमें से कितने क्वांटिटी का चिन्ह होता है, 5। और दूसरा चीज क्या सीखा है जी हमने, डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ किसका बताया जा सकता है, डेराइव्ड क्वांटिटी का। अब हम अगले टॉपिक में क्या सीखने जा रहे हैं जी, डायमेंशन आखिर होता क्या है और डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ नोट कीजिए ताकि बोर्ड को हम मिटाएं, ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए। तो डायमेंशंस किसका होता है जी बताओ, डेराइव्ड क्वांटिटीज का, और फंडामेंटल का क्या होता है, सिंबल होता है। तो आप जरा बताइए कि कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल बता सकते हैं, आपको बताया गया था ना, पढ़ाया गया था ना डेराइव्ड क्वांटिटी। पहला डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, एरिया पढ़ाया गया था। वॉल्यूम क्या है बताओ, डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों है डेराइव्ड, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम अपने से बना है कि किसी के मदद से बना है। फिर डेंसिटी का नाम नहीं आता है जी, डेंसिटी भी क्या है जी, डेराइव्ड। फिर आपको स्पीड नहीं बताया गया था जी, और भी बहुत सारे हैं कि सिर्फ इतना, बहुत सारे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है जरा बताइए, एरिया। लेकिन अगर हम इसके अगल बगल में ऐसा सिंबल दे दें ब्रैकेट वाला, तो इसको अब क्या पढ़िएगा, एरिया पढ़िएगा कि ब्रैकेट ऑफ एरिया पढ़िएगा कि डायमेंशन ऑफ एरिया पढ़िएगा, डायमेंशन ऑफ एरिया पढ़िए। यानी मैथ में जो ब्रैकेट होता है वो हमारे फिजिक्स में क्या होता है, डायमेंशन। यानी अब इसको एरिया नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया। उसी प्रकार अभी इसको क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम। अभी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे, अभी तो वॉल्यूम ही पढ़ेंगे भाई, अब क्या पढ़ेंगे जी, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अभी क्या पढ़ेंगे जी, अब क्या पढ़ेंगे जी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अभी क्या है जी, अब क्या पढ़ेंगे जी, डायमेंशन ऑफ स्पेस। अब हमसे पूछ रहा है एरिया नहीं पूछ रहा है, एरिया का डायमेंशन पूछ रहा है, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम का डायमेंशन पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हम बताइए इनका फॉर्मूला पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे जी, बोलो जी एरिया का फॉर्मूला बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये ना होता है जी। अच्छा अच्छा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है जी, लेंथ इनटू ब्रेथ।
आपको एरिया चाहिए था कि एरिया का डायमेंशन चाहिए? एरिया का डायमेंशन, तो एरिया जिसका जो फॉर्मूला है ना उसका डायमेंशन निकाल लो, वही किसका डायमेंशन कहलाता है? एरिया। तो आप जरा बताइए एरिया के फॉर्मूला में क्या दिख रहा है? लेंथ दिख रहा है और ब्रेथ। आप जरा बताइए कि लेंथ का सिंबल होता है कि डायमेंशन होता है? बोलो, सिंबल होता है, क्या होता है सिंबल? अभी पढ़ा है ना, क्या होता है बोलो? कैपिटल एल। फिर फॉर्मूला में देखो मल्टीप्लाई है कि डिवीजन है? मल्टीप्लाई है तो हमने भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ का क्या सिंबल है बोलो? कैपिटल एल लिख दिया जी, सिंबल। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो जरा हो जाएगा, बता कीजिए समझ में। यही डायमेंशन हो गया किसका? एरिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया का डायमेंशन। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखिए लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। एरिया इज 2 in लेंथ। एरिया इज 2 in लेंथ। ठीक। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई एरिया का डायमेंशन बताओ, तो आप उसका आंसर 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक क्या बोल सकते हैं, L2, L2 नहीं बोलना है, L2। दूसरा तरीका क्या है, एरिया इज 2 in लेंथ। बात खत्म। अब देखिए कुछ किताबों को आप जब पलटिएगा तो कुछ किताब में होशियारी दिखाता है। देखिए क्या होशियारी दिखाता है, ऐसे लिखा है कुछ किताब में, ऐसे लिखा है। आप जरा बताइए, आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि किसी संख्या के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर अगर 0 का पावर लगा देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो आप इसका पावर लगाए तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। इसका पावर 0 है, वैल्यू कितना होगा? 1। तो इसका और इसका एक ही मतलब है कि अलग अलग मतलब? एक ही। लिखने का डिजाइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कुछ किताब में ऐसे दिया है, कुछ किताब में ऐसे दिया है। बात खत्म। समझ में आ गया जी? यानी भाषा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया इज 0 in mass, 2 in length, 0 in time। यानी एरिया का निर्माण सिर्फ और सिर्फ किससे हुआ है? लेंथ से हुआ है, और वो भी कितने लेंथ से बताओ? 2 गो लेंथ। ठीक। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि वॉल्यूम का डायमेंशन बताइए, तो सबसे पहले वॉल्यूम का क्या पता करना होगा? फॉर्मूला। इसलिए कि बिना फॉर्मूला के आप डायमेंशन नहीं निकाल पाइएगा। ठीक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है, बताओ क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो अगर आपको वॉल्यूम का डायमेंशन चाहिए तो इसके फॉर्मूला का डायमेंशन निकाल लीजिए। बताइए जी, लेंथ का डायमेंशन होगा कि सिंबल होगा? सिंबल। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दीजिए। ब्रेथ का सिंबल बोलिए और हाइट का सिंबल। अरे भैया तीनों लंबाई है ना, तीनों तो लेंथ ही है, क्योंकि तीनों को स्केल से नापते हैं। बताइए जी आंसर कितना होगा बोलो? L3 है ना होगा जी। भाषा में कैसे लिखेंगे बताओ? वॉल्यूम इज 3 L। बात खत्म। डेंसिटी का बताओगे? डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर आप डेंसिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो आप इसका डायमेंशन निकाल दीजिए। बताइए जी मास का क्या है बताओ? कैपिटल एम। और वॉल्यूम का क्या है बताओ? वॉल्यूम का अभी ना निकाले हो, तो क्या रख दे बोलो? L3 ना, लेकिन इतना पे छोड़ दीजिएगा ना तो 0 नंबर मिलेगा। आपको सारे चीजों को एक लाइन में लाना है, यानी कि किसको ऊपर लेके आना होगा? L के पावर 3 को। तो L के पावर 3 को जब बगल में लाइए ना तो ये कितना हो जाएगा? आंसर हो गया भाई। यानी इसका आंसर कैसे लिखिएगा बताइए बोलो जी?
डेंसिटी इज वन इन मास कॉमा माइनस थ्री इज लेंथ, वन इन मास कॉमा माइनस थ्री इन लेंथ, और टाइम कितना है डेंसिटी में? जीरो। करंट कितना है डेंसिटी में? जीरो। पता कीजिए ना, इसका आप निकाल के बताइए। रफ पेज खोलिए तो सब लोग रफ पेज, हम स्पीड का फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए। आप रफ पेज खोलिए और स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने है, आप स्पीड का डायमेंशन हमको बताइए। का पावर बोलने के लिए सिखाए हैं, का पावर सर एल माइनस वन बस हो गया भाई। एल का पावर टू बोलना है कि एल टू बोलना है? एल टू बोलना है, बात खत्म। का पावर दो बोलना है, थोड़े बोलना है। बोलो जी, आंसर आया जी किसी का? बोलो। L1T माइनस वन आया है, इतना सही है। तुम्हारा कुछ नहीं आता है जी, तो आप ब्रैकेट गायब हो गया लास्ट में, बताओ। देखिए, विज्ञान जैसे पढ़ाई में आपको अपने मन से कुछ करना है कि नहीं करना है? अपने मन से करना है इसमें, माने हम ब्रैकेट बता रहे हैं, अपने मन से वो घटा देना है ब्रैकेट। ये सब आर्ट्स में किया जाता है अपने मन से, कि लाल कलम है तो भैया हरियर से पेंट कर रहे, विज्ञान में नहीं। बताइए जी, डिस्टेंस का क्या लिखें? बोलो। अरे दूरी का क्या चिन्ह होगा? टाइम का बोलो। आंसर सही है कि गलत है? जीरो नंबर मिलेगा इसमें। क्या गलती है अभी? सारे चीज एक लाइन में नहीं, तो बताओ जी। इस टी को अगर हम ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो क्या लेना होगा? बताइए जी, लैंग्वेज में कैसे लिखें इसको, बताओ। स्पीड इज वन इन लेंथ, बोलो, माइनस वन इन, इसका मतलब स्पीड किन से बना है बताओ? लंबाई से बना है और समय से। स्पीड का कौन निर्माण किया है? लेंथ किया है, कितना लेंथ किया है ये वो, आ कितना समय किया है? माइनस है। तो अब आपको मोटा मोटी समझ में आया जी डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब है कि दिया गया क्वांटिटी कितने क्वांटिटी से बना है। अब समझ में आ रहा है जी? जैसे डेंसिटी का डायमेंशन बताइए, मतलब सामने वाला क्या चीज जानना चाह रहा है कि डेंसिटी किन से बना है? डेंसिटी यानी डेंसिटी कितने मास से बना है? ए वो कितने लंबाई से बना है? माइनस तीन। अब आगे आप बढ़ेंगे तो हम वहां बताएंगे माइनस तीन लंबाई का क्या मतलब होता है, माइनस दो लंबाई का क्या मतलब होता है, माइनस टू समय का क्या मतलब होता है, तीन लंबाई का क्या मतलब होता है। तो मोटा मोटी डायमेंशन का परिभाषा आपको आ गया कि नहीं आया? तो डायमेंशन का परिभाषा क्या लिखेंगे जी, बताओ? डायमेंशन इज व्हाट? बोलो बोलो, डायमेंशन इज व्हाट लिखवा ही देते हैं। बोलो, अपने मन से बनाओ परिभाषा, हिंदी में बताओ। लिखो 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 और समझो और बताओ। डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी इज, डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी इज
डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज, अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज विथ विच डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज विथ विच डिराइव्ड क्वांटिटी इज फॉर्म्ड, विथ विच डिराइव्ड क्वांटिटी इज फॉर्म्ड। अब बताओ, तुम लोग बताओ इसका मतलब, बताओ भैया। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? जो चीज हमने लिखवाया है उसका क्या मतलब है, बताओ। डिराइव क्वांटिटी यानी ये सब क्वांटिटी, इनके डायमेंशन का क्या मतलब है कि ये किन किन क्वांटिटी से और कितने कितने क्वांटिटी से बने हैं, बात खत्म। तो शुरू में परिभाषा लिखवाते तो नहीं समझ में आता, अभी आ गया समझ में जी। तो ये चारों का नोट कीजिए जरा फटाफट। अब सबका डायमेंशन आप ही को निकालना है, खाली हम गाइड करते जाएंगे। अब देखिए जी, अब हम पांचवा नंबर लिख रहे हैं। देखिए तो पांचवा नंबर हमने क्या लिखा है, बोलिए, वेलोसिटी। और अब क्या लिखा है बताओ, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो यदि हमको वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए तो क्या चीज करना होगा बताइए। सबसे पहले क्या पता करना होगा, फॉर्मूला। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चैप्टर में दिया होगा तो आपको हम फॉर्मूला प्रोवाइड करा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलिए जी, आप बताइए तो डायमेंशन इसका क्या होगा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है जी, लेंथ का ही दूसरा नाम है। हाँ बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखिएगा एल, टाइम का क्या लिखिएगा टी, और ये फाइनली कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन। लैंग्वेज में लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा, अब आ गया ना लिखने, अब अपने से लिख लोगे लैंग्वेज में। अगला दें, ठीक है। अगला क्वांटिटी हम आपको दे रहे हैं, इसका नाम सुने होंगे जी आप लोग जरूर, सुने हैं, और इसका फॉर्मूला भी हम दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब आप जरा निकाल के बताइए इसका डायमेंशन, बताओ भैया डायमेंशन, बताओ। एल टी माइनस फोर, एल टी माइनस टू आया है जितना, कुछ लोग लिख ही रहा है। कैसे बनाना होगा जी बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर चाहिए तो क्या कर रहा होगा बताओ।
या तो चिन्ह रखना होगा या तो डायमेंशन है तो रखना होगा डायमेंशन। आप बताइए क्या है जी, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का चिन्ह होता है कि डायमेंशन? अगर चिन्ह होता तो चिन्ह रखते हैं, डायमेंशन है तो डायमेंशन रखेंगे, तो क्या होता है बताइए? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? अभी ना पढ़े हैं जी, एनटी माइनस वन। फिर फॉर्मूला में देखिए डिवीजन है कि मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी क्या डालना है डिवीजन। नीचे देखो जी क्या है, टाइम का बोलिए सिंबल। तो अब इसको सॉल्व करो जरा। सॉल्व करने का क्या मतलब है जी, कि सारी चीजें एक लाइन में होनी चाहिए। तो यहाँ नीचे कौन है? टी। हम चाहते हैं वो ऊपर आ जाए। तो आप बताइए इन दोनों को सॉल्व करने आता है आपको? तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा बताओ? टी माइनस टू है ना, होगा जी? किसी को इसमें डाउट है कैसे होगा ये? टी का पावर माइनस वन और नीचे वाला टी। तो ये तो आपने पढ़ा है कि नीचे वाला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पावर वन है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वन। अब ये गुना में है तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा? टी का पावर माइनस टू। इसका निकालो जी, फोर्स का नाम सुने हो तुम लोग, फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोग दे देते हैं, मास इंटू एक्सलरेशन। निकालो भाई निकालो, जब ये निकाल लेना तो वर्क का निकालना। वर्क का फॉर्मूला हम दे देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाए तो पावर निकालना। पावर का फॉर्मूला दे देते हैं, वर्क अपॉन टाइम। जब ये भी हो जाए एनर्जी का फॉर्मूला दे देते हैं, पावर इनटू टाइम। बोलो फोर्स का बताओ जी, फोर्स का एम है जी सबका। फोर्स का कैसे निकालेंगे जी बताओ? मास का चिन्ह होता है कि डायमेंशन होता है? जो भी होता है लिख दिया देखो, और एक्सेलरेशन का जानते हैं पहले से जी, एल टी माइनस टू। आंसर हो गया कि नहीं? अच्छा इसको भाषा में कैसे लिखेंगे जी बताओ तो? बोलो लिखवाओ, फोर्स इज वन इन मास। हाँ बोलो बोलो, वन इन लेंथ माइनस टू इन टाइम। वेरी गुड। अच्छा इसका बताइएगा वर्क का बताओ? फोर्स का तो हमको पता चल चुका है और बगल में मल्टीप्लाई है तो हमने भी मल्टीप्लाई दे दिया। डिस्प्लेसमेंट का बताओ भाई, एल ही होगा ना? तो इसको फाइनल सॉल्व करके बताइए कितना आया है, ये ना होगा जी? एल एल दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एल टू, एल स्क्वायर नहीं बोलना है, एल टू बोलना है। इसका पावर का निकला है जी देखो तो। बोलो वर्क के लिए क्या लिखे? वर्क के लिए एम एल टू टी माइनस टू है ना लिखेंगे जी, वर्क का तो अब पता चल गया है भाई। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे बोलो? टी। अब देखो यहाँ कौन सा चीज दो बार रिपीट हुआ है, देखो तो यहाँ टाइम हुआ है दो बार रिपीट, तो इनको एक बना सकते हो। टी माइनस कितना होगा जी? थ्री। ये बता रही है समझ में? एनर्जी का आप लोग निकालिए खुद से, खुद से निकाल के बताइए।
बोलो बोलो आंसर बोलो अपना। एनर्जी का गलत है। हाँ देखिए ये लोग का सही है, Ml2T-2। अच्छा एक चीज यहाँ मिलाई है, पावर का कौन व्यक्ति डायमेंशन निकाल पाएगा जिसको वर्क का याद होगा पहले से कि नहीं होगा। पावर का डायमेंशन निकालने के लिए आपको वर्क का डायमेंशन याद होना चाहिए कि नहीं, और वर्क का डायमेंशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो किसका याद होना चाहिए? फोर्स का। और फोर्स का अगर डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो किसका याद होना चाहिए? एक्सेलरेशन। यानी सारे चीज एक दूसरे से क्या है जी? तो कल जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो वही लोग आराम से डायमेंशन निकाल पाएंगे जिसको दसों का दसों डायमेंशन क्या हो, याद हो, क्योंकि हमारे पास इतना फुर्सत नहीं रहेगा कि पन्ना पलट पलट के देखेंगे कि एनर्जी का क्या है, एक्सेलरेशन का क्या था, वर्क का क्या था। तो कल दसों का दसों याद हो जाएगा जी। लास्ट वाला बनाना पड़ेगा कि हो गया? लास्ट वाले का आंसर क्या है? Ml2T-2। ठीक, इसके बारे में डाउट हो? डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतना बना दिए तुम लोग। ठीक, तो कल के क्लास में दसों का दसों आप याद करके आइए जरा, तभी काम चल पाएगा।